तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है मैंने एक बैकलिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और ये नो फॉलो या डू फॉलो वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी मोस्ट टूल यूज़ करके दिखा देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जो आप जो बैकलिंक्स प्रोवाइड करते हो वो डू फॉलो नहीं है, नो फॉलो है। तो गाइस मोस्ट टूल तो आपको झूठ तो बोलेगा नहीं, आप देख पा रहे हो गाइस मेरा मोस्ट टूल पर गया और वहाँ पर मैंने फॉलो पर क्लिक करा, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो लिंक है वो 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है और लिंक भी मेरा ओपन हो रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगा सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए इंस्टेंट अप्रूवल डू फॉलो बैकलिंक्स आप जनरेट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं अभी से बोलना चाहूँगा कि ये चैनल जो ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पर बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर SEO के वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से जो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उसके अलावा गाइस अगर आप चैनल पे विजिट करोगे आपको जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे जो है मैंने सारी ऑफ पेज में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सारी चीज़ें मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखा है, चाहे वो बुक मार्किंग सबमिशन हो, चाहे वो गेस्ट पोस्टिंग हो, चाहे वो EDO, चाहे वो GOV बैकलिंक्स क्यों ना हो। इसके अलावा गाइस आप सबको पता है SEO स्मार्ट की एक वेबसाइट है जहाँ पे जो है आपको सारे बैकलिंक्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा, साइड लिस्ट आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो गाइस ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन गाइस इस वेबसाइट पे एक डू फॉलो बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करोगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस इस वेबसाइट की DAP और स्पैम स्कोर मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस यहां पे आप देख पा रहे हो गाइस DAP SEO चेकर में टूल मैं यूज करूंगा। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहां पे आई एम नॉट रोबोट का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन में यहां पे मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं। उसके बाद यहां पे आप देख पा रहे होंगे गाइस इस वेबसाइट का DA आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस वेबसाइट का जो DA जो है आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस DA जो है 93 और PA 60 है, लेकिन गाइस स्पैम स्कोर खाली 1% है और ये जो वेबसाइट जो है कम से कम 19 साल पुरानी वेबसाइट है, 19 ईयर्स पुरानी वेबसाइट है। और गाइस इस वेबसाइट का डोमेन रेटिंग की बात करूं तो गाइस वो खुद ही चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस इस वेबसाइट में बैकलिंक बनाने के लिए सबसे पहले आपको बस साइन इन पे आपको क्लिक करना। उसके बाद गाइस जैसे आप साइन इन पे आप क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपके पास तीन ऑप्शन मिलेगा, एक साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गूगल और साइन इन विद एप्पल ID होगा। तो गाइस तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो या मैन्युअली आप कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो है फाइनली मेरा जो अकाउंट है वो साइन अप हो चुका है। जैसे ही मेरा अकाउंट साइन अप हो जाएगा आपको बस आपकी जो प्रोफाइल है उस पर जाना है और प्रोफाइल एडिटिंग पे जाना है, प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल पे आप चले जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस सिंपली आपका ऑप्शन दिखेगा, एक लोगो का दिखेगा, एडर इमेज का दिखेगा, फिर बायो का दिखेगा, आपका नेम हो गया, टाइटल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर वेबसाइट, फिर ट्विटर, फेसबुक, ये सारी डिटेल्स आप अपडेट कर देना। तो गाइस अपडेट करने के बाद आपको बस सेव पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे आप क्लिक करोगे आपका जो बैकलिंक्स है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे जो लाइव में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइस मेरा जो बैकलिंक्स है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद गाइस मैं चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डू फॉलो या नो फॉलो। तो गाइस उसके लिए जो मैं मोस्ट टूल मैं यूज़ करूँगा, तो गाइस आप देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे मैंने फॉलो पे मैंने क्लिक कर दिया, आप देख पा रहे होंगे गाइस जहाँ पे मैंने जो वेबसाइट का जो लिंक दे रखा है वो डू फॉलो में ही आ रहा है। तो गाइस ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपके जो डाउट्स होंगे, कोई भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो गाइस आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गाइस आप मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के रिलेटेड क्रिएट करूँ। थैंक यू सो मच गाइस।